हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, दैट इज डबल आरएसआई कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। ये बहुत कम जन को पता है कि डबल आरएसआई कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी कैसे यूज करते हैं। स्टिल मैं मेरे सिर्फ एडवांस बच्चों को मैं ये सिखाता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ये यूट्यूब पे बहुत कम जन को पता है, तो ये आरएसआई के डबल स्ट्रैटेजी पे हम लोग आज बात करेंगे कि आरएसआई डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी कैसे देखना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, एंड ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने मूविंग क्रॉसओवर देखा हुआ है, सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर बहुत जन बताते हैं, तो बट आज हम लोग एक कुछ अलग स्ट्रैटेजी देखेंगे, दैट इज आरएसआई क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए क्या करना है, हमको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे सिंपली आरएसआई टाइप करना है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उसको मैं 2 टाइम्स क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये 2 टाइम्स क्लिक होने के बाद ये आपको ऐसे दिखेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी यूनिक है, वो सेटिंग आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके, इसके सेटिंग में जाके, स्टाइल में जाके, ये जो आरएसआई बेस एम है इसको अनटिक करना है। ये जो भी कुछ है इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट्स में जाता हूँ, इनपुट्स में जाके जो आरएसआई लेंथ है उसको हम 81 करेंगे, ठीक है, दैट विल बी 81, एंड उसको ओके कर लेंगे। सो ये आरएसआई 81, ये फर्स्ट टाइम किसी ने देखा रहेगा कि आरएसआई 81 भी लगता है क्या, या ए 81 पीरियड का आरएसआई है। दैट विल बी द यूनिक टेक्निक, कि ये काफी अच्छा वर्क होता है, ठीक है। एंड सेकेंड जो भी कुछ आरएसआई है वो सेकेंड आरएसआई के सेटिंग में, यहाँ पे ये सेटिंग का बटन आपको दिखेगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे कर्सर लेके, तो ये सेटिंग दिख रहा है, तो ये सेटिंग में जाएंगे। सेकेंड का जो भी कुछ स्टाइल है, ये स्टाइल हम लोग ब्लैक करेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर लेंगे उसको। सेम ये आरएसआई बेस मूविंग एवरेज है, इसको अनटिक कर लेंगे। ये 70, 50, 30 जो है वो एज इट इज रहने दो। फिर इनपुट में चले जाएंगे एंड ये जो भी कुछ है ये 16 कर लेंगे। ये बेसिकली सेटिंग गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से ही है, क्योंकि 16 इज नथिंग बट द 4 का स्क्वायर एंड 81 इज नथिंग बट द 9 का स्क्वायर। तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो भी कुछ है उसके टेक्निक के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है एंड इसको ओके कर लिया। तो ये मेरे 2 आरएसआई रेडी हो चुके हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉसओवर के फॉर्म में करना है तो मर्ज करना है। तो मर्ज के लिए क्या करना है, जैसे आप ये आरएसआई के यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं सबको, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखने, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। वो 3 डॉट्स के यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक मूव टू का पैनल है, एग्जिस्टिंग पैनल बिलो, क्योंकि मेरा 81 के नीचे 16 है, तो 81 को मैं 16 में मर्ज करने वाला हूँ। अगर मैं अबाउ बोलूंगा तो वो मेरे चार्ट पे आ जाएगा, तो मैं बिलो में करता हूँ, तो ये ऐसा मेरा कुछ तो चार्ट दिखेगा। तो ये मेरा मर्जिंग हो चुका है, ये मर्जिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मर्जिंग आप अगर देखोगे तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये ऐसे आपको कुछ तो दिखेगा। ये मर्जिंग, ये जनरली 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है एंड ये क्रॉसओवर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रॉसओवर जो भी कुछ है, ये क्रॉसओवर मुझे बाय एंड सेल सिग्नल्स के लिए बहुत काम में आएगा। ये क्रॉसओवर से मूविंग एवरेज के, ये साइडवेज एक्शन है, ये क्रॉसओवर है, ठीक है। तो ये क्रॉसओवर को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे जज करना है, वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले और आगे जाने से पहले वीडियो एंड तक देखिए, ये स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी बेहतरीन चलती है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एट द 50 के यहाँ पे। ये 50 के यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है, कि जो मुझे कंफर्मेशन देंगे कि कहाँ पे मुझे बाय एंड सेल करना है। बिफोर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक इंडिकेटर ऐड करेंगे। ये बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए रॉकेट सेटअप है। ये सेटअप से आप काफी बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो, अगर इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर देन काफी अच्छे ट्रेड्स चलते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप टाइम फ्रेम 3 मिनट्स लगा लीजिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। जनरली हम लोग इंडिकेटर में जाके हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड कर लेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड वाला है डोमिनियो का, उसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। सेटिंग इसका जो भी कुछ है 10.3 वही रखेंगे।
सुपर ट्रेंड तो सबको पता है कि शॉर्ट रहेगा तो हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेना है, अगेन शॉर्ट रहेगा तो शॉर्ट के ट्रेड लेना है। बट यहाँ पे मुझे जस्ट डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन से ट्रेड्स मुझे एक्चुअल एग्जीक्यूट करने हैं एंड कौन से मुझे निगलेक्ट करने हैं। मैं आपको 2-3 एक्चुअल ट्रेड्स बताता हूँ कि कहाँ पे हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे एक कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं। लेट अस से यहाँ पे शॉर्ट है, फिर यहाँ पे लॉन्ग है, फिर से यहाँ पे शॉर्ट है, तो इसमें से कौन से ट्रेड लेने हैं वो काफी इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग, तो जब भी मुझे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अगर आता है तो ये शॉर्ट के ट्रेड में वो पर्टिकुलर कैंडल का लो जाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्टिकुलर कैंडल का लो नहीं गया तो वो ट्रेड तो वहां पे इनवैलिड हो गया, फर्स्ट थिंग। फिर मुझे जस्ट यहाँ पे तो लो गया नहीं, बट यहाँ पे मुझे जस्ट डाउन साइड देखना है कि मेरा मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर डाउन साइड होना चाहिए, वो भी बिलो 50। मतलब जो भी कुछ मेरा RSI 81 का जो RSI है वो 16 RSI को अपसाइड से डाउन साइड क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है बट ये मेरा कैंडल का लो नहीं गया, तो इसके लिए ये सिग्नल इनवैलिड है। डन, मैं यहाँ से 20 सेकेंड से आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मेरा लॉन्ग सिग्नल आया, ये इंट्राडे के लिए ये लॉन्ग सिग्नल आया, बट ये जो भी कुछ मेरा 81 का जो RSI है ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। क्रॉसओवर होके ये अबाउ 50 जाना बहुत जरूरी है, अबाउ 50 नहीं गया तो ये बाय का सिग्नल भी इनवैलिड। तो ये शॉर्ट सिग्नल इनवैलिड है, लॉन्ग सिग्नल इनवैलिड। अभी ये शॉर्ट का सिग्नल दिया, इसका लो ये कैंडल ने ब्रेक किया, सिग्नल वैलिड है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रॉसओवर जो भी कुछ है ये क्रॉसओवर अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है, यहाँ पे क्रॉसओवर पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट का सिग्नल भी अवॉइड करेंगे। कोई बोलेगा सर मैंने शॉर्ट का सिग्नल तो अवॉइड किया बट इतना रैली दिया, या यू कैन टेक, बट ये अवॉइड करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट का सिग्नल भी मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो ये लॉन्ग का सिग्नल दिया है, ये लॉन्ग का सिग्नल गया, ये कैंडल का हाई चला गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ये जो यहाँ पे दिया और ये अबव 50 क्रॉस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा एंड आई विल एग्जिट हियर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे 600 पॉइंट्स का रैली दिया है। आपको ये रैली बहुत छोटा लगता रहेगा बट दिस इज 600 पॉइंट्स का रैली, मतलब 40,400 के यहाँ पे इसने बाय दिया था एंड ये चला गया था 40,900 तक, 500-600 पॉइंट्स का रैली है एंड यू कैन इजीली कैप्चर दिस टाइप ऑफ रैलीज। सेकेंड, शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे दिया है बट मुझे क्रॉसओवर यहाँ पे मिला है क्रॉसओवर, तो मैं शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे कहाँ पे तो लूंगा। और देखो ये बम्पर रैली, फिर RSI का कुछ यूज नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने डबल कंफर्मेशन ले लिया है तो RSI का यूज नहीं और मैं एग्जिट करूंगा यहाँ पे कहाँ पे, तो इज दैट क्लियर। तो ये काफी बेहतरीन ट्रेड होते हैं। यहाँ पे ये हाई नहीं गया तो ये कैंसिल है बट ये आप देख सकते हो कि कितने बड़े टारगेट्स मुझे मिल सकते हैं, 40,800 से 39,800, मतलब ऑलमोस्ट आपका 1,000 पॉइंट्स का रैली है। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डाउनफॉल है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि अगर ये क्रॉसओवर आपको नहीं दिख रहा है बट स्टिल ये 81 का जो मूविंग RSI जो है वो बिलो 50 अगर है देन यू कैन टेक अ डाउनफॉल का ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पे मुझे एक एडवांस सेटिंग बताना है। यू कैन डू द एडवांस सेटिंग लाइक आप ये जो भी कुछ RSI है उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन टेक अ 100 ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। यहाँ पे बहुत ही स्मूथ ट्रेड्स मिलेंगे एंड यहाँ पे जो भी कुछ 16 है ये 16 के जगह पे आप 25 लेके भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि अगेन 125 बोथ मेरे परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए काफी अच्छा वर्क होता है। यू कैन क्रॉस चेक विथ निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी 50 में भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेल का सिग्नल है, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है, देन यू कैन टेक द सेल, बट बीच में ये क्रॉस ओवर अप डाउन होते रहे, फिर RSI का कुछ यूज नहीं है, फिर जब तक ये सुपर ट्रेंड है तब तक आप लोगे। फिर यहाँ पे ये बाय का सिग्नल आएगा, ये हम बाय का सिग्नल लेंगे क्योंकि ये अबव 50 जा रहा है एंड फिर ये हम बने रहेंगे जब तक ये सेल का नहीं देता। तो लाइक दैट वे यू कैन टेक अ मल्टीपल ट्रेड्स इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो। अगर आपको पोजिशनल करना है तो यू कैन थिंक अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं कि जहां पे आपको हिट रेशियो काफी अच्छा मिलेगा,
जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट का सिग्नल दिया है, बट ये शॉर्ट का सिग्नल हम यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ये बिलो 50 आता है, एंड लुक एट द रैली। यहाँ पे ये बाय का सिग्नल दिया बट हाई नहीं गया क्योंकि ये 50 क्रॉस नहीं हुआ, देन वी कैन इलिमिनेट दैट बाय का सिग्नल। तो लाइक दैट वे में यू कैन टेक अ पोजिशनल ट्रेड। यहाँ पे देखो एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड आपको मिला है कि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर भी डाउन साइड हुआ है, एंड लुक एट दिस कि 17,600 से 17,600 पॉइंट्स का डाउनफॉल। तो आपको अगर पोजिशनल करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देन यू कैन टेक दिस डबल आरएसआई स्ट्रेटेजी विद द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगा आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिए कि आपको कौन सा सेटअप यहाँ पे अच्छा लगता है। यू कैन चेंज दिस सेटअप अकॉर्डिंग टू WD GAN स्क्वायर ऑफ 9, एंड इन्फॉर्म मी कि ये ट्रेड्स आपको कैसे प्रॉफिटेबल दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा। इसके साथ अगर आप ऑप्शन चेन को अगर कंबाइन करोगे कि डेटा बेरिश है कि बुलिश है, वो अगर आप डिसाइड कर पाओ तो दैट विल बी लाइक आप बैटल आधी से ज्यादा जो भी कुछ है वो बैटल जीत जाओगे। जैसे अभी यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है तो आप बुलिश वाले ट्रेड लोगे लाइक दैट वे में। जैसे अभी यहाँ पे बुलिश का ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है और यहाँ पे लाइव मार्केट है, तो ये जैसे ही 50 क्रॉस होगा इंट्राडे में बुलिश का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लाइक दैट वे में आपको ओआर डेटा भी पता होना बहुत जरूरी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।